हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड लाइट। तो आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा के स्पीडोमीटर के लाइट्स की। ये लाइट्स कितने मॉडल में अवेलेबल है और इसको कैसे यूज़ करा जाता है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कार्ड लाइट को और ये बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट कार वीडियोज़ और रिव्यूज़ आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीडोमीटर में दो नॉब दी गई है, एक लेफ्ट साइड नॉब दी गई है, वो दी गई है MID ट्रिप मीटर के लिए, और राइट साइड दी गई है कलर चेंजिंग के लिए। अगर आप उस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कलर डिक्रीज होंगे, यानी कि लाइट हो जाएंगे कलर, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कलर की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। और अगर उस नॉब को आप अंदर प्रेस करते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा, जैसे सेकंड कलर, ये थर्ड कलर, ये फोर्थ आ गया, और ये फिफ्थ कलर आ गया, ये फिर से फर्स्ट कलर आ गया, और एंटी क्लॉकवाइज ब्राइटनेस कम होगी और क्लॉकवाइज ब्राइटनेस बढ़ेगी। मेरा फेवरेट ब्लू कलर है जो कि अभी डिस्प्ले में है, जिसकी ब्राइटनेस मैं कम कर रहा हूँ और अभी ब्राइटनेस बढ़ा दी है। और टोटल 5 कलर ऑप्शन दिए गए हैं लाइट चेंज करने के लिए, जिसकी ब्राइटनेस आप इंक्रीज या डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मारुति ने सिस्टम को नेम दिया है मूड लाइट्स इन स्पीडोमीटर, यानी कि अपने मूड के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से लाइट्स चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये कितने मॉडल में अवेलेबल है। तो ये लाइट एडजस्टमेंट आती है ZDI और ZDI Plus मॉडल में, सिर्फ उन दोनों मॉडल में आती है, उससे लोअर मॉडल में ये अवेलेबल नहीं है।